हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा नीड ऑफ सर्किट ब्रेकर, एंड सर्किट ब्रेकर के जो हमने टाइप आपको दिखाए वो किसके आधार पे होते हैं, इन दो टॉपिक की चर्चा होगी इस क्लास में। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सर्किट ब्रेकर को मैं लगातार कंटिन्यूस वे में एक एक वीडियो करके एक एक सर्किट ब्रेकर पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ताकि वो चीज़ें बहुत बढ़िया से आपके माइंड में सेट हो जाए और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना भी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके अपने अपने रोल हैं और अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। नाउ सर, सर्किट ब्रेकर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अबाउट आपको सर्किट ब्रेकर थोड़ा सा जानना है। हालांकि सर्किट ब्रेकर का लास्ट लेक्चर वीडियो हमने बेशक उसके पूरे वर्किंग ऑपरेशन वगैरह हर एक चीज़ बता दिया, पर थोड़ा सा डिटेल में करता हूं। उसके बाद किस किस तरीके से किसको क्लासिफाइड करते हैं, किस तरीके से, उसको भी अपन देखने वाले हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आई होप आपको सब कुछ विजुअलाइज होगा। ओके, आवाज़ भी मेरी प्रॉपर आ रही है? ठीक, बिल्कुल। तो चलिए सर, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर। ओके, सर्किट ब्रेकर, द सर्किट ब्रेकर, एकदम लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं। ये बेस अक्सर हर कोई, किसी ने ये देखा होगा, बताइए किसके घर में नहीं लगा होता है ना, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। अदरवाइज कम से कम एक सिंगल वाला तो सबको दिखता है, एक सिंगल वाला लाइन में कहीं रहते हैं ना। मैं बात कर लूं यहां पे सर्किट ब्रेकर की, तो कह रहा है द सर्किट ब्रेकर इज ए स्विचिंग डिवाइस। ऑब्वियसली स्विचिंग ऑपरेशन होता है फॉल्टी कंडीशन, ओवरलोड कंडीशन, या कोई अर्थ फॉल्ट कंडीशन में आपका ऑपरेशन होता है। सो स्विचिंग डिवाइस है, विच ऑल्सो ऑफर्स प्रोटेक्शन बाय ट्रिपिंग एंड कटिंग ऑफ द सप्लाई टू लोड इन केस ऑफ फॉल्ट, जो कि क्या करता है, ऑफर करता है प्रोटेक्शन का बाय ट्रिपिंग, जो प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा करता है बाय ट्रिपिंग, ट्रिपिंग के द्वारा, और कटिंग ऑफ द सप्लाई टू द लोड केस। ओके, मान लो यहां से इनपुट आ रहा है, ओके, और यहां से आउटपुट जा रहा है इधर। सो कोई ऐसा फॉल्टी कंडीशन ऐसा इसने देखा तो फटाक से इसके अंदर इसको डिस्कनेक्ट कर देगा, मतलब इसके अंदर कनेक्शन इंटरप्ट हो जाएंगे, तो यहां तक सप्लाई रहेगा, इसके बाद कोई सप्लाई नहीं रहेगा, तो आपके डिवाइस डैमेज होने से बच जाएगा। ओके, प्राइमरली द सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड फॉर स्विचिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लोड इन इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कॉमर्शियल एप्लीकेशंस एंड होटल्स। ये कहता है कि अब ये सर्किट ब्रेकर भी है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही सर्किट ब्रेकर है उसी को हर जगह लगाना है। सर्किट ब्रेकर कहता है हमारा एप्लीकेशंस अलग अलग तरीके से होनी चाहिए और अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर लगनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जहाँ वोल्टेज है वहाँ अलग तरीके के सर्किट ब्रेकर का उपयोग कीजिए, और जहाँ कम वोल्टेज है वहाँ अलग तरीके का सर्किट ब्रेकर का उपयोग कीजिए। कॉमर्शियल है उसके तरीके से, इंडस्ट्रियल है उसके तरीके से। सो ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत लार्ज हाई वोल्टेज की यूज होगी, सो हाई वोल्टेज वाला केस में चला जाएगा। हो हाउस होल्ड होंगे, होटल्स होंगे, सो वहां का अलग कंडीशंस बनते हैं। सो अलग अलग कंडीशंस में सर्किट ब्रेकर अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। नाउ सर्किट ब्रेकर के बारे में बाकी हर एक चीज मैंने डील ऑलरेडी करा है। अब सर्किट ब्रेकर के अंदर के मैकेनिज्म क्या होते हैं वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। हालांकि इसके ऑपरेशन के बारे में हमने बताया कि सर्किट ब्रेकर रिले के इंटरकनेक्शन से किस तरीके से काम करता है। एक चीज और ध्यान रखना, कई बार आपको यहाँ पे ना बायमेटल्स एलिमेंट की यूज होंगी। बायमेटल्स के बाद टर्मोलॉजी में ना आपको बायमेटल वर्ड का यूज होगा। बायमेटल मतलब जिसमें दो तरीके के मेटल्स की कॉम्बिनेशन होते हैं, उससे एक मेटल का फॉर्मेशन होता है, और उस बायमेटल का उपयोग जैसे कि यहाँ पे किया गया है, ये एक बायमेटल्स है। ओके, सो बायमेटल्स भी एक एलिमेंट ही है जो दो डिफरेंट एलिमेंट के मिलने से बनता है, और इसका उपयोग यहाँ पे कनेक्शन के तौर पर यहाँ पे किया जाता है। ओके, सो एक बायमेटल्स का आपको कई बार वर्ड अगर यूज होगा तो आपको समझना है बायमेटल्स जो एलिमेंट वो सर्किट ब्रेकर के अंदर ही कनेक्शन के रूप में, कनेक्टिविटी के रूप में यूज किए जाते हैं। ओके, नाउ नीड क्या है सर सर्किट ब्रेकर का, नीड क्या है? ऑब्वियसली अब तक हमने जितने क्लास लिए हैं आपके ना, उससे आपको नीड का बेसक पता चल गया होगा कि कितनी जरूरत है सर्किट ब्रेकर का। बिना सर्किट ब्रेकर के हम TND ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को करना इतना आसान नहीं समझ सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहां पे ट्रांसमिशन करने हैं आपको प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सेफ्टी को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अगर सर्किट ब्रेकर ही ना हो तो फिर सेफ्टी कहां से आएगा। आइए नाउ, तो क्या कहना, मेनी काइंड्स ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन आर देयर विच एग्जिस्ट इन आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कह रहा है कि बहुत प्रकार के हमारे जो इलेक्ट्रिकल के सिस्टम है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन,
या फिर आप कह सकते हो यूटिलाइजेशन, इनमें ना मेनी कंडीशन अलग अलग तरीके के एबनॉर्मल कंडीशंस आपको देखने को मिलता है। एबनॉर्मल मतलब जब जो नॉर्मल ना हो, जो नॉर्मल नहीं है, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई आपका अर्थ फॉल्ट हो गया, या कोई ओवरलोड कंडीशंस हो गए। सो एबनॉर्मल कंडीशन बहुत तरीके से देखे जा सकते हैं। सो क्या मेनी काइंड्स ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन आर देयर व्हिच एग्जिस्ट इन आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम दैट हैव टू पोटेंशियल टू डैमेज दी सर्किट्स एंड इट्स कंपोनेंट। और इस तरीके की एबनॉर्मल कंडीशन में इतनी पोटेंशियल होती है जो आपके सर्किट या किसी डिवाइस को डैमेज कर सकता है। ओके, सो दिस कंडीशन आर डिफाइंड एज फॉल्ट्स। और इस टाइप की कंडीशन क्या कहते हैं? फॉल्ट। अगर कोई ऐसा सिस्टम हो गया एबनॉर्मल कंडीशन जिससे आपके कोई डिवाइस या सर्किट डैमेज होता है, दैट इज नोन एज फॉल्ट। फर्दर फॉल्ट इज कैटेगराइज्ड एज मेंशन बिलो। जहां पर फॉल्ट किस किस तरीके के देखे जा सकते हैं सर? ओवरलोड फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है, अर्थ फॉल्ट हो सकता है। ये फॉल्ट के टाइप्स होते हैं। ओके, अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना। अब इसी फॉल्ट से बचने के लिए हमेशा आपको किसका उपयोग करना पड़ता है सर? सर्किट ब्रेकर का। और सर्किट ब्रेकर के क्लासिफिकेशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। हालांकि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर को चार टाइप के तो बताए, बट किसके आधार पे थे वो चीजें यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। और अगर वहां पे कुछ था तो यहाँ पे कुछ अलग आपको जरूर सीखने को थोड़ा सा मिलेगा ना। इन ऑर्डर टू कैप्ट आवर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, अगर इन ऑर्डर टू कैप्ट आवर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड सिस्टम सेफ, अगर आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या सिस्टम को सेफ रखना है, बढ़िया रखना है, सो ऐसे कंडीशन के लिए क्या कह रहा है? इट इज मैंडेटरी, यह बहुत जरूरी है टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम अगेंस्ट एवर फॉल्ट। अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम और कंपोनेंट को अच्छा रखना है, सेफ रखना है, हेल्दी रखना है, तो बहुत जरूरी है कि ऐसे सिस्टम को आपको जरूरी है, मैंडेटरी है, प्रोटेक्ट करिए अगेंस्ट एवर फॉल्ट। इन फॉल्ट के अक्रॉस आपको बचाना होगा। सो किस टाइप के फॉल्ट है, ऐसे कंडीशन में भी आपको डिवाइस का यूज करना पड़ता है। जैसे कि सर मैं बताऊं ना कि ओवरलोड फॉल्ट के लिए ना आप किस टाइप के सर्किट ब्रेकर यूज करते हो? HRC फ्यूज का उपयोग करते हो। खासकर आपसे कई बार पूछा जाता है HRC फ्यूज का उपयोग किस कंडीशन में सबसे ज्यादा किया जाता है? सर ओवरलोड को प्रोटेक्ट करने के लिए HRC फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं ना। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए शॉर्ट सर्किट ब्रेकर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। और अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए भी आते हैं हमारे पास। आइए मैं उन सारी चीजों को डिस्कस करता हूं लो वोल्टेज कंडीशन में ना। टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर को तो मेनली अगर बात करें ना तो मेजर तो सर्किट ब्रेकर वही है जो आप TND के अंदर भी यूज करते हो, खासकर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हाई वोल्टेज वाला। लेकिन छोटे छोटे जो हाउस होल्ड में यूज किए जाते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री प्लांट में भी यूज होते हैं, घरों में जो यूज होते हैं उनकी भी चर्चाएं आज होंगी ना। अगर बोला जाता है सर्किट ब्रेकर मेनली आर कैरेक्टराइज्ड, जो कैटेगराइज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन एज पर वोल्टेज। सर्किट ब्रेकर को मेनली वोल्टेज के आधार पे, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज है तो अलग सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन कीजिए, बहुत कम वोल्टेज है तो अलग। सो वोल्टेज के आधार पे सर्किट ब्रेकर को मैं यहाँ पे कैटेगराइज करता हूँ। आज यहाँ पे कुछ बातें मैं आप लोग से शेयर कर लूँ। सबसे पहले ध्यान समझिए, कहता है कि सर्किट ब्रेकर मेनली तीन तरीके के वोल्टेज लेवल से क्लासिफाइड किए जाते हैं, हाई वोल्टेज, मीडियम, लो। ओके, या फिर लो वोल्टेज, मीडियम, हाई। लेकिन ध्यान रखना मेनली अगर कैरेक्टराइज किए जाते हैं तो जो मीडियम के लिए यूज किए जाते हैं वही हाई वोल्टेज के लिए भी यूज किए जाते हैं। इसीलिए दो तरीके से क्लासिफाइड करेंगे, एक हाई एक लो, एक हाई वोल्टेज के लिए एक लो वोल्टेज के लिए। क्योंकि अगर मीडियम के लिए बात करें तो मीडियम में अपन यूज करते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर सिर्फ मीडियम के लिए ही नहीं हाई वोल्टेज ऑपरेशन में भी यूज करते हैं। सो यहां पे मैं दो ही तरीके से क्लासिफाइड करूंगा, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन सर्किट ब्रेकर एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन सर्किट ब्रेकर। तो पहला मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सर लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, कम वोल्टेज पे यूज किए जाने वाले सर्किट ब्रेकर जो आपके घरों में भी यूज किए जाते हैं, वोल्टेज लेवल कम होता है उसमें अपन आ जाएंगे, जो अपन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला होता है। ओके, सो ऐसे कंडीशन में कौन कौन सा है सर? MCCB, ACB, MCB, RCCB। तो MCB तो आज के डेट में हर बंदा देखा होगा, MCB तो कहाँ नहीं लगा है।
जो नहीं भी जानता वो फ्यूज की जगह पे आज की डेट में एमसीबी लगा लेता है घर पे लाके, है ना। कैसा वाला? ये वाला देखो, ये वाला, ये C32 32 एम्पियर रेंज का है, है ना। ये अलग अलग चीजें जिनकी चर्चा होगी। एक सिंगल वाला भी आता है, सिंगल 16 एम्पियर का, 9 एम्पियर का। सो वो उतने एम्पियर करंट को लिमिट करने का काम करता है ना। सो अब ये देखिए, लो वोल्टेज वाला होता है एमसीसीबी, जिसका फुल फॉर्म है, अगर आप बात करोगे जिसका फुल फॉर्म है मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर। सीबी मतलब सर्किट ब्रेकर तो हमेशा रहेगा, मोल्डेड केस इसके बारे में चर्चाएं होंगी आगे। एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। पहले इसके क्लासिफिकेशन बता देता हूं कि किसके क्लासिफिकेशन से ये टाइप के सर्किट ब्रेकर आप देखते हो। लो वोल्टेज का है ये, ओके। आरसीसीबी, ओके। उसके बाद ये क्या हो गया, आरसीसीबी, ओके, रेजिडुअल सर्किट करंट सर्किट ब्रेकर। और एक होता है ईएलसीबी, है ना, वो भी होते हैं, तो वो जो अलग टाइप के होंगे उनकी भी चर्चा आगे कर दी जाएगी। नो, सो दिस इज द बेस्ट ऑफ लो वोल्टेज एप्लीकेशन, ओके। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर देखते हुए देखे हो, ये आपका जो है आपका ये वाला एमसीसीबी, ओके। नो, यहाँ पे देखिए आरसीसीबी, तो होते हैं ऑलमोस्ट वही टाइप का। ये अंदर के कंस्ट्रक्शन, ये अंदर के कंस्ट्रक्शन, तो ऑलमोस्ट चीजें वही होती है, बट ऑपरेशन अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंडीशन में, कि कहां पे किसको प्रोटेक्ट करना उसके आधार पे बांट दिए जाते हैं। नाउ अनदर थॉट्स सर, अनदर थॉट्स, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, ये तो एकदम मेजर है और इस टाइप के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीसी, SF6, OCB एंड ABC। ABC आपको पता है, कई बार कंपटीशन में आपको पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में, बताइए व्हाट इज ABCB ABCB OCB, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा इंटरव्यू में, खासकर पता ही नहीं चलेगा कि क्या है ये, कहां से पूछा गया। सो ABCB, ओके। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 और वैक्यूम, ये सब हाई वोल्टेज ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं, जिसका वीडियो हमने एनिमेशन से लगातार आप लोग को बताया है, ओके। तो आई होप ये चीजें आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। Wait a second, मैं दिखा देता हूं उन पोर्शन को सीधे, तो आई होप आपको ज्यादा पता रहेगा। Wait a second, ये देखिए सर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, मैं एक बार अच्छे से दिखाता हूं, फिर हटा के इनके बारे में लिख दूंगा एक बार। Wait a second, ये देखिए कौन कौन सा सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसके साइज भी ऑब्वियसली बढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना वो छोटे छोटे सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, फिलिंग नहीं की जाती है कोई गैस या कुछ भी, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है, तो वहां आर्किंग का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बड़े रेंज के हाई वोल्टेज में जहां कॉन्टैक्ट रिमूव होगा, वहां आर्क को रिमूव करने के लिए आपको उसके अंदर अलग अलग टाइप टेक्निक यूज करने पड़ते हैं, इसलिए इसका साइज बढ़ जाता है। सर ये देखिए, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के साइज बढ़ गए। ऑयल सर्किट ब्रेकर, टैंक होगा तभी तो ऑयल रहेगा, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और ये आपका हो गया SF6 सर्किट ब्रेकर, ओके। इस तरीके से सर्किट ब्रेकर होते हैं, इसका साइज बड़ा होता है, हाई वोल्टेज वाला सर्किट ब्रेकर का साइज भी बड़ा होता है। नौ, चलिए सर मैं उसके बारे में थोड़ा लिख दूं, आ जाओ एक बार, चलिए सर थोड़ा इसके बारे में लिख देता हूं, ओके। कई बार बच्चे फुल फॉर्म भी बोलते हैं सर, एक्चुअली पता नहीं और नहीं भी होगा, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ब्रेकर, ओके। थोड़ा स्लो चलता है, लोड ज्यादा हो गया स्पेशली स्लो चल रहा है, ओके। नौ, वैक्यूम, आप अपने मन से CC मत कर देना, बहुत बच्चे करते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं इन चीजों के बारे में, बच्चे कर देते अपने मन से। नौ, SF6 क्या है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, SF6 सर्किट ब्रेकर, सीबी लगा देना, सर्किट ब्रेकर, ओके। नाउ ऑयल सर्किट ब्रेकर,
एयर ब्लास्ट सर्किट, ये एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ दिए जाते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और इन सब के बारे में तो खासकर स्पेशली एक एक वीडियो होना चाहिए समझने के लिए, तो इन सारे के वीडियोज आपको बेशक मिलेंगे। ओके, तो ये इसके क्लासिफिकेशन हो गए। तो अब क्लासिफिकेशन को मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन अब क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज आप बढ़िया से समझ चुके होंगे, लो वोल्टेज में क्या आते हैं, हाई वोल्टेज में क्या आते हैं। अगर मीडियम की कई बार बात की जाए, सर मीडियम में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को रखा जाता है, लेकिन ये हाई ऑपरेशन के लिए भी होता है, सो इसको लो और हाई दो ही कैटेगरी में मैंने बांट दिया। अगर बात करें ना थोड़ा सा यहाँ पे आइए कि मीडियम वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की थोड़ी सी यहाँ बात की जाए, तो कहता है कि वोल्टेज लेवल फ्रॉम 1 kV से 69 kV इज कैटेगराइज अंडर द मीडियम वोल्टेज, एंड 69 kV से 230 kV कैटेगराइज अंडर हाई वोल्टेज। तो ये 230 या उससे भी ज्यादा वोल्टेज के लिए भी हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में सर्किट ब्रेकर का उपयोग होता है। और मीडियम में जो आपको 1 से 70 kV लगभग बोला गया है, सर 11 kV में भी अपन लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल हो जाता है। ओके, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी इस रेंज में हो जाता है 11 kV वाले में। सो हमने दो ही तरीके से कैटेगराइज किया, तो वोल्टेज का इस्तेमाल नहीं, आप ये समझो कि लो वोल्टेज जैसे कि 200, 400, 500, 800, 1000, 1 kV, 10 kV, ये सब रेंज जो है लो वोल्टेज रेंज में हमने रखा, और हाई वोल्टेज में मोर देन दैट, अगर 30 kV है, 33 kV है, उससे ज्यादा है, तो वो हाई वोल्टेज में हमने लिया। दो ही तरीके से कैटेगराइज किया। सो मीडियम एंड हाई वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कह रहा है, VCB इज यूज फॉर मीडियम वोल्टेज एप्लीकेशन, या आप कह सकते हो हाई वोल्टेज। अगर एग्जाम में कंपटीशन में पूछे तो बेशक आप यूज करोगे क्या, मीडियम वोल्टेज, अदरवाइज दो ही तरीके से हमने कैटेगराइज किया। ओके, इन VCB द कॉन्टेक्स्ट ऑपरेशन आर्क एक्सटिंग्विश टेक्स आर्क क्विंजिंग टेक्स प्लेस इन साइड बोटल वेयर वैक्यूम इज प्रेजेंट, है ना, यानी वैक्यूम में रखा जाता है। ये तो मैं बताएं कि मीडियम के आधार पर सर्किट ब्रेकर का नाम दिया गया है। नो, तो मैं बात किया कि सर इन सब्जेक्ट्स के अंदर अभी मैंने मेजरली क्या पढ़ा। अगर आपने देखोगे ना तो सर हमने ये पढ़ा कि सर्किट ब्रेकर एक्चुअली यूज क्यों किए, दूसरा सर्किट ब्रेकर के बारे में बहुत सारा चीज पता ही था, सर्किट ब्रेकर की नीड क्यों है वो भी आपने देखा, इन चीजों को भी जानते होंगे ना। सर्किट ब्रेकर को क्लासिफाई हमने कर दिया एक लो वोल्टेज एक हाई वोल्टेज में। लो, चूंकि इसको भी मैं चाहता ना सेपरेट पढ़ाता, उसको भी सेपरेट पढ़ाता तो पढ़ लेते आप, लेकिन हमने पहले कैटेगराइज कर दिया कि लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए इस टाइप का सर्किट ब्रेकर, आपके होम हाउस होल्ड में भी आप देखते हो कि इस टाइप का सर्किट ब्रेकर का एप्लीकेशन अब होने लगा बड़ा फ्रिक्वेंट, तो ऐसे सर्किट ब्रेकर आपको दिखेगा। और हाई वोल्टेज रेटिंग वाला आपको ग्रिड वगैरह के अंदर वो सब सर्किट ब्रेकर दिखेगा, SF6 वगैरह। सो आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्किट ब्रेकर SF6 वगैरह ही है। बहुत पुराने टाइम में ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज सबसे ज्यादा होता था, बट आज के डेट में SF6 सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला सर्किट ब्रेकर है, तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए सर मैं इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा इंडिविजुअल सर्किट ब्रेकर, और उसमें बेहतर तरीके से आपके कॉन्टेंट मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।